तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। एंड राइट हियर आपका भाई अपने ही गांव पे घर के आगे है। एंड फिलहाल अभी मैं आली शिंगा जाने वाला हूँ, क्योंकि यार मैं अपने यूट्यूब फैमिली मेम्बर को बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ। उनमें से एक मेरा भाई है, एंड वो बार बार, मतलब मैं उसे नहीं पहचानता, वो मेरे वीडियो हर वीडियो को देखता रहता है। एंड बार बार कॉमेंट आता रहता है कि भाई आली शिंगा का ब्लॉग बनाओ, आली शिंगा का ब्लॉग बनाओ। तो चलो दोस्तों, आली सिंगा तक मैं जाऊंगा, देखूंगा कि आली सिंगा कैसा है। अपने भाई के रिक्वेस्ट से हम अपने गांव से निकल गए। कुछ इस प्रकार का लोकेशन है दोस्तों, देखिए। ऐसे गांव के अंदर बाइक चलाने का एक अलग अनुभव है दोस्तों, कसम से बोल रहा हूँ। खूबसूरत चर्च है भाई, देखो देखो। आप फूड ब्लॉगिंग करते हो या फिर कुछ भी ब्लॉगिंग करते हो, वहाँ पे आपको एकाध दो बंदा बात करने के लिए मिल ही जाता है। लेकिन जब मोटो ब्लॉगिंग करते हो, साला यार बात करने के लिए कोई भी नहीं रहता है, पागल के जैसा खुद पर ही बात करना पड़ता है। कैमरा रहता है, मतलब धुआं धुआं छूट जाता है, मतलब क्या कहूँ क्या ना कहूँ ऐसा हो जाता है। देखें, मैं कैमरा के साथ बात कर रहा हूँ, मेरे पास बात करने के लिए कोई भी नहीं है, तो मुश्किल तो हो जाता है ना, मतलब क्या बोलो क्या ना बोलो ऐसा हो जाता है। तो बहुत हार्ड है भाई मोटो ब्लॉगिंग करना, इट्स नॉट ईजी दोस्तों। देखें, इतना बड़ा फील्ड मतलब साफ किया जा रहा है, बहुत बड़ा इलाका है। एंड फ्यूचर में मैं यहाँ पे मीटअप करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे फैन होने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि छोटे मोटे जगह होंगे तो मेरे जो चाहने वाले हैं उसके लिए कोई जगह नहीं होगा, तो मैं सोच रहा हूँ फ्यूचर में मैं यही मीटअप रखूँ। नमस्कार, शिव जी का मंदिर है ना? अरे हरे रे, बेंगली मीडियम स्कूल है ये? क्या है, बानी निकेतन बेटा? स्कूल का नाम क्या है? बेंगली मीडियम है ना? कौन से क्लास में पढ़ाई करते हो? आप एट पे? आप अच्छा, एक बार बोल दीजिए स्कूल का नाम। बानी निकेतन हाई स्कूल। कितने क्लास तक है ये? अच्छा, टेन तक है। तो दोस्तों देखिए, ये एक बेंगोली मीडियम स्कूल है। तो दोस्तों यार, मतलब वो जो आपको यहाँ से, आई डोंट नो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो रॉ में डिफरेंस होता है, बेंगोली में वो जो बॉ होता है उसमें एक बिंदी रहता है ना, और ऐसा इसमें उसका पेट काटा होता है, पेट काट दिया जाता है। सो दिस इज़ बेंगली मीडियम स्कूल। थैंक यू बेटा, चलो यहाँ से स्टार्ट होता है आली सिंगा। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आली सिंगा, वो तो हाईवे नज़र आ रहा है। हाँ, तो फाइनली मेरे एक फैमिली मेंबर, यूट्यूब फैमिली मेंबर ने बार बार रिक्वेस्ट किया था कि वो मैं आली सिंगा आ जाओ, तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ आली सिंगा। दिस इज़ कॉल आली सिंगा है ना, ये आली सिंगा है ना? हाँ, तो आली सिंगा पे आके क्या करेंगे अपने, ये तो दिखाई दिया। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आली सिंगा का एक सेंटर पे पहुँच गए ना, ये एक सेंटर है। एंड रिक्वेस्ट करने पर मैं ब्लॉगिंग बना रहा हूँ, एंड मुझे समझ भी नहीं आ रहा है यहाँ में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। पहली बार आया हूँ ये भी नहीं बोल सकता, पहले आया था बट मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल यहाँ पे नहीं किया हूँ। थोड़ा सा आगे जाके मैं आप लोग को दिखा दूंगा दोस्तों कि आली सिंगा आगे कितना दूर तक है, एंड फिर मैं रिटर्न आऊँगा, एंड रिटर्न आके उस छोर तक भी जाके दिखाऊँगा कि आली सिंगा कैसा है। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ आली सिंगा। लेकिन इससे पहले यहाँ से एक छोटा सा एक चक्कर मार लेता है, यहाँ से अंदर जाएंगे। ये एक होटल है जो लोग चाय पी रहे हैं, एंड हैव अ लुक गाइस, कुछ इस प्रकार से है। वाह, सब लोग खा रहे पी रहे, मज़ा आ रहा है, मस्त यार, बढ़िया। मुझे दिखाई दिया, हाँ हाँ, क्या क्या कहाँ पे है मिनी ब्रांच? अच्छा, ये रहा मिनी ब्रांच डिस्ट्री। अगर आप लोगों को 100 करोड़ लेना है तो दोस्तों यहाँ से 300 करोड़ ले सकते हैं लोन क्या आराम से ले सकते हैं। एंड ये रहा सेंटर, एंड आगे जाके दिखाएंगे। हाँ हाँ, आगे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से यू टर्न मार रहे हैं, एंड प्यारे प्यारे बच्चों को एक बार टाटा बाय बाय बोल के देखते हैं। टाटा बाय बाय दोस्तों, हेलो हाय। अरे किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, गजब बेइज्जती हुआ है दोस्तों यहाँ पे गोरखा ब्लॉगर का। एंड ये क्या है भाई, जाके देख लेते हैं। ये रहा कपड़ा है ना, कपड़ा दुकान, जूता दुकान, आली सिंगा का कपड़ा दुकान, जूता दुकान। दोस्तों अगर आप लोगों को हिप हॉप बनना है, कुछ भी बनना है, तो यहाँ से आप लोग आराम से ले सकते हैं कपड़ा। ओ माय गॉड, ये रहा कपड़ा दुकान आली सिंगा का। एंड सोच रहा हूँ आप लोगों को आली सिंगा दिखाओ। एंड ये रहा कंप्यूटर शॉप, ये रहा फार्मेसी। एंड फार्मेसी भैया मुझे देख रहा है, ठीक है भैया, अच्छा बहुत बढ़िया चल रहा है ब्लॉगिंग। आगे गाना बज रहा है भाई, उसके पास में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा जानी दुश्मन है। जहाँ भी गाना बजता है वो मेरा दुश्मन ही होता है, वो इसलिए क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। क्या बोलते हो भाई, आली सिंगा का मज़ा आ गया। ओ भाई, वो देखा, वो क्या है, वो बड़ा बड़ा क्या कहते हैं उसे, ओ उसे जो चावल वावल साफ करते हैं ना, क्या कहते हैं, साफ करते हैं। हाँ, वो जो है ना छलनी छलनी, वो क्या है, कुछ भी है आई थिंक सो, आप क्या बोलते हैं उसे, मुझे देर आए बट दुरुस्त आए, जो भी हो। फाइनली आली सिंगा पे मैं पहुंच ही गया हूँ।
अपने भाई के रिक्वेस्ट पर, क्योंकि बुरा भी लगता है। काफ़ी समय से मैंने उसको बोला था यार मैं आली शिंगा का ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन कभी कभी रिक्वेस्ट मानना भी पड़ता है भाई किसी का, क्योंकि यूट्यूब फैमिली मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एंड यार बस यही सब चल रहा है। देखो भाई आली शिंगा कैसा लग रहा है आप लोग को। एंड यहाँ पे एक बार मोदी भी आया हुआ था ना, याद है तुम्हें? मोदी जी यहाँ पे आया हुआ था। हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को पता है हमारे इस ढेका जिले आली शिंगा पे मोदी जी आए हुए थे। एंड उस समय में मैं भी था, उसका भी मैं फ़ोटो क्लिप्स यहाँ पे ऐड कर दूंगा जब मोदी जी आए हुए थे। तो यही वाला फील्ड था यहाँ पे मोदी जी आए हुए थे। अभी तो ये बंजर हो चुका है, लेकिन जब मोदी जी यहाँ पे आए हुए थे, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे, तो इसी वाले जगह पे आए हुए थे। काफ़ी ख़तरनाक तरीके से डेकोरेट किया गया था, चारों तरफ बाउंड्री, CRPF, बॉडीगार्ड, ये सब वगैरह वगैरह। एंड मैं मोदी जी आने से पहले यहाँ पे आके बैठा हुआ था, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे मोदी जी के। मोदी जी जो है ना, मतलब हेलीकॉप्टर पे आए हुए थे, जो आर्मी के हेलीकॉप्टर होते हैं ना, उस हेलीकॉप्टर पे आए हुए थे। जब यार मोदी जी का यहाँ पे एंट्री हुआ था, माँ कसम रे सच्ची बोल रहा हूँ, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान का जो एंट्री होता है वो एकदम फीका पड़ गया था, बोला फेल हो गया था। एंड ये चारों तरफ खचाखच भरा हुआ था, मतलब ये सारे, मतलब यहाँ पे दुकान वकान सब दुकान ही दुकान, मतलब हम लोग तो पैसे उड़ाए थे, लेकिन जिसको कमाना था उसने तो यार दबा के कमाया। यहाँ पे चारों तरफ दुकान फल का, मतलब सब्जी का नहीं, सॉरी मिठाई हुआ का या फिर कुछ भी वगैरह वगैरह का लगाया हुआ था। सो यही सब हुआ था जब मोदी जी आए हुए थे। एंड फाइनली दोबारा मैं अपने भाई के रिक्वेस्ट पर आली सिंगा पहुँच गया हूँ थोड़ा सा देखने घूमने के लिए। एंड सुबह का समय है, मतलब घर से निकलने का भी मन कर रहा था, कहाँ जाओ यही सोच रहा था। एंड अचानक से मेरे को याद आया कि यार मेरा भाई ने मुझे रिक्वेस्ट किया हुआ था कि भाई मैं आली सिंगा आ जाओ, इन लोगों को तो रोड क्रॉसिंग करने दे देते हैं। एंड आई डोंट नो आगे क्या हो रहा है भाई, भीड़ जमा हो रखा है। हाँ अच्छा, यहाँ में समथिंग कुछ हो रहा है। देखिए मैं सामने नहीं जाऊँगा बिकॉज वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा साउंड है जो मेरे मतलब माइक में आ सकता है। एंड यार आज के ब्लॉग में बस इतना यार, मैंने आप लोगों को आली सिंगा दिखाने की कोशिश की है जो कि हमारी ढेका जिले से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं आली सिंगा का ब्लॉग इसलिए बनाया हूँ क्योंकि यार मेरे एक YouTube फैमिली मेंबर ने बहुत पहले, मतलब बहुत महीने पहले मुझे रिक्वेस्ट किया था कि भाई आली सिंगा का ब्लॉग बनाओ। तो फाइनली आज मैंने आपका बात मान लिया, आली सिंगा का ब्लॉग बना लिया। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय। बोलने से पहले यार आज के इस ब्लॉग में लाइक एम रखते हैं 30, अरे यार थोड़ा सा लालच बढ़ गया, 50 कर देना। एंड अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल में नए आए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि गोरखा ब्लॉगर के इस ब्लॉग चैनल में आप लोगों को आसाम के अलग अलग लोकेशन, ब्यूटीफुल प्लेसेस, पिकनिक स्पॉट, हर जगह के ब्लॉग आपको दिखने को मिल ही जाता है। एंड नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश, शिलोंग, ये सब का भी ब्लॉग मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ, वो भी अगर देखना चाहते तो आप चाहिए मेरे प्लेलिस्ट में, ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ, आप वहाँ में जाकर देख सकते हैं दोस्त। यार इन फ्यूचर में सिक्किम जाने के बारे में सोच रहा हूँ, सिक्किम के पास मणिपुर, मिजोरम, ये वगैरह सारे स्टेट में कवर करने वाला हूँ, सारे धमाकेदार धासु ब्लॉग गोरखा ब्लॉगर में आने वाला है, तो यार आप लोग मिस आउट मत होना। इसलिए यार आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गोरखा ब्लॉगर को। तो दोस्तों बाय बाय, लव यू ऑल फ्रॉम हार्ट, टाटा बाय बाय।